चलो दुनिया मुट्ठी में। जी हाँ, अगर आप एप्पल के आईपैड की खासियतें सुन लेंगे तो यकीन मानिए आप मचल उठेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि हथेली पर संसार है ये खिलौना। एप्पल ने बाजार में उतारा है नया आईपैड जो स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच की कड़ी है। बस यू समझिए उंगली के एक इशारे पर मौजूद होगी दुनिया। कि क्या है, कैसा है, कितने का है, कहाँ मिलेगा, कब से मिलेगा, वगैरह वगैरह। भाई भीतर से तो नहीं पता, लेकिन देखने में एकदम बिंदास है, कोई जोड़ नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि हथेली पर पूरा संसार। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है अमेरिकी कंपनी एप्पल का ये नया आईपैड। कद्रदान इसे टैबलेट पीसी कह रहे हैं। कंप्यूटर बाजार को इस आईपैड ने हिला कर रख दिया है। आईपैड नाम के टैबलेट कंप्यूटर को एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव जॉब्स ने सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया। आईपैड आकार में आईफोन से थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। बोले तो स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच फंसेगा कहीं, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो जेब में नहीं आएगा और मेज की जरूरत तो कतई नहीं पड़ेगी, लेकिन हाथ में लेकर मजे में चमका सकते हैं। तो आखिर क्या है एप्पल का आईपैड में खास? 9.7 इंच की स्क्रीन, यानी एक मैगजीन के साइज से भी छोटा। मोटाई 0.5 इंच। वजन का थोड़ा लोचा है, खासकर लड़कियों के लिए। 680 ग्राम इतना भी कम नहीं होता, लेकिन लैपटॉप जनरेशन को मस्त लगेगा। प्रोसेसर भी टनाटन, 1 GHz एप्पल प्रोसेसर। मल्टी टच स्क्रीन, बैटरी 10 घंटे तक आराम से काम करेगी। 16 GB से 64 GB तक फ्लैश मेमोरी। हेडफोन के लिए वायर की जरूरत नहीं। वाईफाई, ब्लूटूथ, 3G के लिए तैयार। कीबोर्ड से जब चाहे जोड़ दो। स्पीकर और माइक्रोफोन तो होगा ही, सीधे डाउनलोड करने की सुविधा। वीडियो गेम की भरमार। आईपैड में 12 एप्लीकेशन लगाकर दिए गए हैं, जरूरत हो तो और डाउनलोड कर लो। इसमें आईट्यून भी मौजूद है, जिससे जब चाहो जहां चाहो गाने सुनो, फिल्म देखो। इस आईपैड में एप्पल स्टोर की 1,40,000 एप्लीकेशन को चलाया जा सकता है। बस यूँ समझिए कि बोतल में बंद जिन है जहाँ पना। जरा कीमत भी तो सुनिए, क्या अंदाजा है आपका? 50-60 तो होगा ही। क्या कहा, हमने कम दाम लगाया? तो सुन ही लीजिए, सिर्फ 23। जी हाँ, 23। अजी लाख नहीं, हजार। 23,000, इतने से शुरू हो जाता है। मेमोरी के हिसाब से दाम भी बढ़ जाएगा। खासियत की बात हो गई, कीमत पता चल गई। अब सबसे जरूरी सवाल कि ये टैबलेट कंप्यूटर बाजार में कब आएगा? तो साहब, आने का ऐसा है कि अमेरिका में तो मार्च के अंत तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में अभी वक्त लगेगा। अभी तो आप बस इस सुनहरी परी के सपने देखिए, वैसे है कमाल की चीज। तो झलक देखिए आपने इस मिनी कंप्यूटर की। और इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट पीयूष झा, और साथ है मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान वहां पर। अनुराग, साफ सी बात है, एप्पल ने फोन्स की दुनिया में हड़कंप मचाने के बाद अब कंप्यूटर बाजार को भी सकते मिला दिया है। बिल्कुल, और जैसा कि हम इस रिपोर्ट में देख रहे थे, सुनहरी परी जिसे हम अभी देख सकते हैं, केवल अभी इसको ऑपरेट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पीयूष हमारे साथ है, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, आईटी स्पेशलिस्ट है। हम यहां पर आईपैड दिखाएंगे और पीयूष हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये आईपैड हम देख सकते हैं। ये देखिए, अब एक छोटा सा ये टैबलेट कंप्यूटर हमारे हाथ में होगा। यहां पर ये जो इसका आइकन है, ये इंटरनेट ब्राउजिंग है। इंटरनेट ब्राउजिंग, सफारी कहते हैं। सफारी कहते हैं जी, जैसे गूगल का गूगल क्रोम होता है, इसका एप्पल का इसको सफारी बोलते हैं। बिल्कुल, इसमें हम जाकर के इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे नॉर्मली कंप्यूटर में करते हैं, हम इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह पूरी तरह से कर सकते हैं। चलिए अब इससे निकलते हैं, आप देखते हैं कि दूसरा फंक्शन इसमें क्या है। ये है मेल। ये पीयूष कैसे अलग है? ये बेसिकली इसमें जैसे आप आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में करते हैं, आप अपने मेल्स को अलाइन करते हैं, अपने आउटबॉक्स को, अपने जंक मेल को, अपने सेंट ईमेल को, सो यू कैन, आप अपने मेल्स को अच्छी ढंग से रख सकते हैं। अच्छा। ये इसमें एक अलग फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से भी बेहतर है। सो इसमें आप अपने मेल्स को लाइक अगर एक वीक पुराना मेल है, 10 दिन पुराना मेल है,
यस्टरडे कल का मेल है, जो भी मेल्स, अपने मेल्स को आप अच्छे ढंग से आप अच्छी तरह से संयोग करके रख सकते हैं। चलिए मेल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या है। यहाँ देखिए फोटो गैलरी, कितनी खूबसूरत ये फोटो गैलरी है। ये तो बहुत मतलब मोबाइल्स में भी अगर फंक्शन हम देखें तो फोटो गैलरी को हम बहुत ज्यादा अहमियत जी बेसिकली ये बेसिकली अगर कहा जाए तो ये लैपटॉप और मोबाइल के बीच में एक बीच की चीज है। और डेफिनेटली ये जो 3G स्पेक्ट्रम को, ये 3G स्पेक्ट्रम का एक नया अध्याय होगा। ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, जितने भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहां पर तो ऑलरेडी 3G स्पेक्ट्रम का काफी है, लेकिन ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये 3G स्पेक्ट्रम का एक नया अध्याय होगा, जहां पर आप इजिली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, चले तो ये स्टिल फोटो गैलरी हो गई और इसके बाद बारी आती है वीडियो की। वीडियो भी लोग आजकल काफी रखना पसंद करते हैं, फिल्मी गीत है, मूवीज की मूवीज पूरी हम शायद इसमें ले सकते हैं। जी डेफिनेटली, अगर आप देखा जाए तो 16 GB से लेके 66 GB तक इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है और 500 to $1,000 की प्राइसिंग रखी गई है। सो बेसिकली आप 3-4 मूवी तो देख ही सकते हैं, स्टोर तो कराम से कर। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें यहाँ पर यूट्यूब, ये फंक्शन हर जगह मौजूद नहीं होता है। यूट्यूब में आप दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से नए वीडियोज अपलोड किए गए हैं, या फिर आपके पास अगर कोई वीडियो है वो अपलोड कर सकता है, तो बहुत अच्छी चीज होगी। डेफिनेटली यूट्यूब एक सबसे बढ़िया रहेगा कि यूट्यूब सिर्फ 9.7 इंच स्क्रीन है। मुझे लग रहा है कि YouTube में आप ये काफी पेनिट्रेशन मार्केट इसकी काफी हाई रहेगी इंडियन मार्केट। बिल्कुल, और साथ ही हम अलग से एप्पल का iPod देखते हैं। यहाँ पर ये iPod का आइकन है, इसमें यहाँ पर इन्होंने पूरा iPod दिया हुआ है। जी मुझे लग रहा है सब कुछ इसमें है। इसमें है कि आप एक साथ आप iPod भी कैरी नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन रीअलाइन, आप अपने सॉन्ग्स को अच्छी तरह से अलाइन करके आप म्यूजिक एल्बम बना करके आप ये iPod जो एप्पल की जो सबसे हिट थी उसको ये एक सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ पर लोग गेम्स वगैरह ज्यादा स्टोर रखना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका एक बेहतरीन फंक्शन ये हम अगला जो देख रहे हैं म्यूजिक है। यहाँ पर म्यूजिक स्टोर करके रखा जा सकता है, और जैसा कि आप इसकी मेमोरी बता रहे हैं तो 16 से 66 GB बताइए, इसमें तो काफी कुछ खजाना संगीत का भरा जा सकता है। चलिए म्यूजिक के बाद अब बारी आती है, हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टोर, ये एप्पल स्टोर रहेगा इस आईपैड की। अपने फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं, अपने मेल्स, अपने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी ये आपको कहा कि 16 से लेकर 64 GB काफी है, एक मूवी 3 GB की रहेगी, पूरा ऑफिस आपका इसके अंदर आ सकता है। सबसे बड़ी बात है ये बड़ी पॉकेट फ्रेंडली है आपके लिए, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब बारी किस चीज की है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन मुझे पीयूष इसका लगा, आईबुक। ये मुझे अभी मैं कार से ड्राइविंग अभी कर रहा था, हाल में मेरे सीईओ मिस्टर बिपिन कुमार ने कहा कि एक्चुअली दे आर टाइड अप ये iBook.com, जहां पर आप इन्होंने टाइप कर लिया है Amazon.com से। ये डिजिटल बुक रहेगी जहां पर आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, या आपको किसी बुक की जानकारी लेनी हो, लाइक मैंने कहा कि ब्लू बेड्स पे बहुत अच्छी नॉवल्स है, तो आप उसको एक अध्याय कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके पेजेस वगैरह फ्लिप, वो आप यहाँ पर टच करेंगे वो अपने आप फ्लिप पेज चेंज हो जाएगा, और बुक फॉर्म में ही हमें दिखाई देगा, है ना, टेक्स्ट फॉर्म की जगह जैसा बुक फॉर्म है वो दिखाई देगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन इसका आईपैड का हमें नजर आ रहा है, और ये हम देख सकते हैं यहाँ पर गूगल मैप। गूगल मैप, हु डज नो गूगल मैप, यू नो गूगल अर्थ, बेसिकली दैट्स वॉट अभी चाइना में काफी ये रहा गूगल के चलते। डेफिनेटली ये उन विदेशी पर्यटकों के लिए काफी अच्छा रहेगा, जो सपोज बाहर से आते हैं, ये नहीं जानते ये रोड कहां ले जाता है, ये पुल कहां से है, या ये इस जगह पे कौन सी बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली दैट विल बी ए गाइडेड टूर के लिए बहुत अच्छा ये। ये इसके कुछ हमने चुनिंदा फंक्शंस बताए। पीयूष, यहां पर जानना चाहेंगे कि इस आईपैड का एक्स फैक्टर क्या है आपके नजरिए से? एक्स फैक्टर अगर मैं आप इसका एक ऐसा फंक्शन जो इसे बाकी चीजों से अलग करता हो, इसका एक ऐसा फंक्शन जो 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 एक ऐसी चीज हो जो इनकी इस आईपैड की खासियत हो जो और कहीं हमें ना मिले। आईपैड की ये सबसे बड़ी खासियत है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, और ये मैं इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैकेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम से ये करती। तो अभी ये सबसे बड़ी, अगर मैं आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के हिसाब से बोलूं तो ये इट्स ए वेरी रिस्क फ्री, यू नो, और क्योंकि ये अभी एप्पल की जो मार्केट सेगमेंट है ये भी बहुत कम है, और डेफिनेटली मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट सेगमेंट अगर बढ़ेगी तो लोग इनकी वैलिडिटीज भी बढ़ेगी, लेकिन अभी तक एप्पल की जो ब्राउजिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पूरी जो सिस्टम है, इट्स ए वेरी रिस्क फ्री।
इन द पॉइंट ऑफ आईटी सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल, और इसमें हमने सुना कि कीबोर्ड भी है जो कि टच स्क्रीन के जरिए से आ जाएगा। कीबोर्ड अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमने भी नेट पर देखा इसको, और इसका जो फंक्शनल पूरा दिखाया गया उसमें दिखाया गया कि इसमें फॉर्म हो जाएगा पूरा कीबोर्ड, और कंप्यूटर की तरह हम उसको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। अभी इसकी प्राइस $500 रखी गई है, $130 लेके आप 3G स्पेक्ट्रम में आप यूज कर सकते हैं। इट हैज अ कैपेसिटी ये 4G स्पेक्ट्रम तक भी जा सकता है। अच्छा, सो इससे आपकी क्रिस्टल क्लियर रहेगी, आप आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, आराम से किसी से बात कर सकते हो, सर्विस ऑपरेशन सिस्टम इसकी बहुत स्मूथ रहेगी। बिल्कुल, सो दैट इज द बेनिफिट है। हाईटेक गैजेट के रूप में अगर इसे देखा जाए तो 5 में से कितने नंबर पीयूष आप देंगे इसको? डेफिनेटली 3.8। चले पीयूष देते हैं इसको 3.8। इंतजार रहेगा इस सुनहरी परी का, बाजार में जैसे ही आएगी देखते हैं कितनी खलबली मचाएगी। यहां पर रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए, लौटेंगे शिवानी के साथ।